जय हिंद, वंदे मातरम। आराम से, आराम अभी आराम हम सभी यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार इन मुंबई है और अभी सब लोग यहाँ पे आए हैं, सभी लोग। मुझे उम्मीद नहीं था कि अभी तो संख्या जो है वो 100 से ऊपर हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ पे आएंगे, मिलने आएंगे। और उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं और झारखंड से भी लोग आए हैं, सही है कि नहीं है? बात सही है, सभी जगह से लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के भी लोग यहाँ पे मिलने आए थे कुछ लोग। तो ये हम लोग अभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और पॉजिटिव वे में इकट्ठा हुए हैं। बस उम्मीद है कि कुछ इंडस्ट्री बिहार में आए और इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ना ये करोड़पति है, ना यहाँ पे कोई करोड़पति है। हम लोग जो है सब साधारण परिवार के सभी लोग हैं और छोटे छोटे लोग जब प्रयास करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। और इसी उम्मीद से जो है ना, बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हैं। आप ऑफिस छोड़ के आए हैं ना? हाँ, ये ऑफिस छोड़ के आए हैं और अपने बॉस ने इनको मोटरसाइकिल, और देखिए, और आज सबसे बड़ी बात है कि आज, और आज क्या है, आज विजयादशमी है और विजयादशमी के अवसर पे सब लोग अपने घर रहते हैं। लगभग पूजा पाठ और भी बहुत सारे चीज होता है। मुस्लिम भाई लोग भी आए हैं, देखिए ये लोग, ये सभी लोग। तो जिस दिन जो है हम हिंदू मुसलमान ऊंचा नीचा सब एक हो जाएंगे ना, उस दिन जो है हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान के समस्याओं का समाधान कराने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, मेरी नहीं है, लेकिन मेरे से जितना होता है मैं प्रयास करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी प्रयास करेंगे। क्या बोले, सेल्फी भी कर देता हूँ। सब लोग दिखे, और ये किसी नेता का रैली नहीं है, ये लोग सभी लोग। अच्छा ये बताइए, आप लोग अपने पैसा से आए हैं ना यहाँ? आप लोगों के पे फोन पे पैसा वैसा डाल है बड़े भैया, और भी बहुत सारे लोग। उत्तर प्रदेश के किधर है हमारे भाई? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले से हूं और मैं थाना में रहता हूं। कल मैंने आपका फेसबुक पेज पे मतलब लाइव सेशन खत्म हुआ, अब बता दो लोग। देखिए, अच्छा तहनी के बतावा लगे कि यहाँ काहे लकाइल बड़ा मनीष भैया का और सच्चाई जोन बिहार के अंदर में चाहे देश के अंदर में भी जोन सच्चाई दिखावे के चाहिए। एक मात्र जन चैनल बा उस सच तक, बहुत सारे पत्रकार लोग हैं, बहुत सारे पत्रकार लोग हैं, ईमानदार है, लेकिन क्या करें, समस्या ये है कि मीडिया हाउसेस बिक जाता है, पत्रकार नहीं बिकता है। पत्रकार बहुत सारे लोग ईमानदार है। और इधर चौबे जी किधर है हमारे? चौबे जी हाँ इधर है, ये चौबे जी है और ये गोविंदगंज के हैं, राजन तिवारी के गांव के हैं, क्षेत्र के विधानसभा के हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये बिहार के साथ साथ मुंबई का भी कचरा साफ करने का जिम्मेदारी है और सैल्यूट है नहीं, और बहुत ही मतलब गौरवान्वित सारे लोग यानी होश में हैं अभी आप। हर जगह का, मैं मुंबई में आया तो मुंबई के ट्रैफिक सिस्टम पे भी आवाज उठाया मैंने, और मुंबई में मेट्रो जो डिले चल रहा है प्रोजेक्ट उसके ऊपर भी आवाज़ उठाया, शाहरुख खान के खिलाफ भी आवाज़ उठाया, अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी आवाज़ उठाया, जो गलत है उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया। तो बस यही सब चीज़ें देख के जो है ना, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए मुंबई में, और उम्मीद नहीं था कि मुंबई जैसा भागम भाग वाला शहर में जहाँ पे अन्ना हजारे का आंदोलन फ्लॉप हो गया, अन्ना हजारे भी आंदोलन नहीं कर पाए मुंबई में, और इतने सारे लोग जो है इकट्ठा हो जाएंगे। बस सबको धन्यवाद, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने सारे लोग जो है लाइव वीडियो के माध्यम से जुड़े। बस विनती है कि एक प्रयास किया जाए और बिहार के लिए कुछ किया जाए। छोटा ही इंडस्ट्री, अगर कोई कपड़े का इंडस्ट्री डाल सकता है जिसमें 2-4-10 लोगों को रोजगार दे सकता है, डाले। कोई अगर प्लेट बनाने वाला जो होता है, कप बनाने वाला होता है, ये सब का भी डाल सकता है तो डाले। लेकिन बिहार में डाल के देखिए, वहाँ पे जो है स्कोप है, अगर हम लोग पॉजिटिव वे में काम करें तो, और सभी लोग काम करेंगे तो शायद जो है वहाँ का भी विकास होगा। और यहाँ के शुगर मिल मालिकों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि 2-4 शुगर मिल ले कर चलिए बिहार में और वहाँ पर डालिए। वहाँ पर जो है जितना महाराष्ट्र में रिकवरी रेट है और उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट है, अगर सही से सरकार वहाँ पे काम करे तो रिकवरी रेट वहाँ पे ज़्यादा होगा और वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये वादा है आप लोगों से, एक बार लेके आइए इंडस्ट्री। बाकी सभी लोग सही है ना? जी, चलिए ठीक, आप सही हैं तो सब सही है।